मनगवां थाना अंतर्गत युवक युवती एक मंदिर के पास बैठे थे। गांव के युवक ने उनको मना किया, उसके बाद वह युवक वहीं पर एक ढाबे में जाकर बैठ गया। युवक युवती को काफी गुस्सा आया, उन्होंने ढाबे में पहुंचकर युवक के सर पर मारी गोली। युवक गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एडमिट, युवक युवती को पकड़ा पुलिस ने। मंदिर परिसर में प्रेमी युगल बैठे हुए थे, युवक ने मना किया, आरोपी ने मारी गोली। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद, आरोपी के हाथ में दिखी पिस्टल। गोली चलाने के बाद प्रेमी युगल हुआ फरार, पुलिस ने 2 घंटे के अंदर ही दोनों को पकड़ा। रीवा जिले के मनगवां थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मार देने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूटी सवार युवक युवती एक मंदिर में बैठे थे, वहां बैठा देखकर गांव के एक युवक ने उन्हें मना किया, आरोपी को गुस्सा आया। युवक मना करने के बाद वहीं एक ढाबे के पास पहुंचा, युवक युवती ढाबे के पास पहुंचकर युवक को गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। घायल युवक का नाम ब्रजेंद्र कोरी बताया गया है, निवासी हनुमंता मनगवां का है। मिली जानकारी के अनुसार गोली युवक के आंख से लगकर पीछे के हिस्से में निकल गई है। फिलहाल संजय गांधी अस्पताल में उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मनगवां पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी की पहचान कर ली और आरोपी को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया। हमने परिजनों से संजय गांधी अस्पताल में बात की, उनका कहना था ब्रजेंद्र कोरी अपने घर से निकला था, तभी हनुमान मंदिर में एक युवक युवती को देखा, उसने दोनों को मना किया। आरोपी युवक ने मंदिर से निकलकर लक्ष्मण ढाबे के पास पहुंचने पर पीछे से दोनों युवक युवती पहुंचे और ब्रजेंद्र को गोली मार दी, युवती को लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आरोपी को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया है। हम आपको बता दें, मनगवां से लगभग 25 किलोमीटर दूर मऊगंज में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा भी थी। गोलीकांड की घटना ने उस इलाके में काफ़ी सरगर्मियां फैला दी थी। हमने आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर एडिशनल एसपी मऊगंज वीके लाल से बात की, साथ ही हमने गोली लगने वाले युवक के परिजनों से बात की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। वो गांव का ये लड़का हमारे है, वहाँ गांव में गाड़ी खड़ा करा था सर, और वहाँ से आ रहा था बजरंग बली के पास, 2 लड़के बैठे थे, एक लड़की के लाए तो गलत काम करे थे, घुराया वहाँ से कि यहाँ मंदिर में मत कुछ करो, तो वहाँ इतना बोल के वो होटल पे आ गया लक्ष्मण ढाबा पर, और लक्ष्मण ढाबा में जैसे तैसे वो पीछे से आए और इसको कंडक्टर साइड चढ़े और सीधे गोली मार दी इसको, और दोनों लड़के लड़के वो भाग दिए स्कूटी लेके। तब तक हम लोग वो करके नंबर वंबर उसको ले लिए, वो तुरंत भाग दिया। हम लोग पकड़ने गए तो वो लोग हम लोगों की तरफ गोली फेर दिया था। इनके आँख से लगी है, इधर निकल आई है। जी सर, क्या बालक का नाम है? सर इसको भैयू भैयू कहते हैं, गांव का भैयन में गांव में हमने कहते हैं इसका नाम। ओशन ओशन का नाम रखा है, ब्रजेंद्र कोरी। रहने वाले कहाँ का है? ये मनगवां के पास हनुमंता गांव है। घटना स्थल कहाँ का है? लक्ष्मण ढाबा। लक्ष्मण ढाबा जी। ये कहाँ से पड़ता है? ये मनगवां से 2 किलोमीटर दूरी पे, नेशनल हाईवे इलाहाबाद रोड पे। पुलिस की सूचना दे दिया? पुलिस की सूचना हाँ दे दी है। अभी हालत कैसी है बालक? हालत उसकी गंभीर है सर। आपका नाम? मेरा नाम अजय तिवारी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 घंटे के अंदर ही आरोपी को राउंड अप कर लिया है। घटना के संबंध में आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके बाद पूछताछ के बाद ही आगे की जानकारी मिल पाएगी। अभी हम लोगों ने पूछताछ जारी कर दी। सर मुख्य वजह क्या सामने आई है? वही मुख्य वजह के संबंध में ही पूछताछ जारी है अभी, क्योंकि जो घायल व्यक्ति है वो रीवा में है, मनगवां पुलिस लेकर के आ रही है आरोपी, तो दोनों से जब पूछताछ हो जाएगी, उसका ट्रीटमेंट कराना पहला हमारा दायित्व है, उसके बाद हम इसमें